दोस्तों हम जब भी YouTube के ऊपर में किसी वीडियो को प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद जब हम वीडियो को कट करते हैं तो हमारा YouTube प्ले स्टोर पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो फिर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में सोल्यूशन देने वाला हूँ, तीन तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है और आप देख रहे हो A1 टेक्निकल सोल्यूशन। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप करके आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पर, अब आपको प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करके आप यहाँ पे YouTube सर्च कर लेंगे। YouTube सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो YouTube ओपन हो जाएगा। तो अगर आपका YouTube एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो आप इसे अपडेट कर लेंगे। दोस्तों अब आपका जब ये अपडेट हो जाएगा तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर इसके बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर अब क्या करना है ये हम आगे देखते हैं। तो अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको चले जाना है YouTube एप्लीकेशन के ऊपर में, उस पर एक बार प्रेस करके रखने हैं। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे आप देखते हो कि आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें से आपको एक देखने को मिलेगा ऐप इन्फो। जी हाँ, ऐप इन्फो, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। दोस्तों जब आपका ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा इसके बाद देखते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक फोर्स स्टॉप देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। अब आपको फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके इसे स्टॉप कर देने हैं। तो फाइनली ये स्टॉप हो चुका है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा देखने को, यहाँ पे स्टोरेज यूजेज, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो क्लियर डेटा। जी हाँ, क्लियर डेटा पे क्लिक करके इसे सारे क्लियर कर देना है। अब जब आप यहाँ से क्लियर डेटा पे क्लिक करोगे जितने सारे डेटा YouTube ने यूज किया है आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ओके पर क्लिक करके आप सारे डेटा को क्लियर कर देंगे। फाइनली हमारा डेटा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं फिर से बैक और दोस्तों हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हमारे पास थर्ड स्टेप भी है जो बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अब YouTube के ऊपर में। आपको YouTube ओपन कर लेना है। YouTube ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपने आइकन पे क्लिक करना है, मतलब अपने लोगो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखते हो सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अबाउट। जी हाँ, अबाउट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम और फिर यहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकते हो। आई होप यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर यहाँ आने के बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है फिर तो एक लास्ट उपाय है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और कंफर्म होने वाली है। तो दोस्तों अब चलना है हमको एक स्टेप पीछे। जी हाँ, एक स्टेप पीछे चलते हैं। पीछे जाने के बाद यहाँ पे आप देखते हो सेंड फीडबैक। जी हाँ, सेंड फीडबैक, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे सेंड फीडबैक पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइप कर लेने हैं, लिख देने हैं जो आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। ठीक है, कि मैं जब भी ओपन करता हूँ YouTube को, इसके बाद जब मैं कट करता हूँ तो ये हमें प्ले स्टोर पे ले आता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिख देने हैं। अगर आप यार नहीं समझ पा रहे हो क्या लिखना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब आप लिख लोगे तो यहाँ पे एक और चीज आपको करने है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीन शॉट यहाँ पे मर्ज कर देने हैं, जोड़ देने हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके अपने मैसेज को सेंड कर सकते हो, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यूट्यूब टीम जैसे ही आपकी मैसेज को देखेंगे वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो फाइनली आई होप दोस्तों कि आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी आप ये सारे स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यार नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोस को देख पाओ। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, टेक केयर।